आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो एवरी लेट स्टार्ट द क्वेश्चन द नंबर ऑफ एल्केली मेटल्स फ्राम लिथियम पोटाशियम सीजियम रुबीडियम हैविंग आयोनाइजेशन इन थेरेपी ग्रेटर दैन फोर हंड्रेड किलो जूलपार मूल एंड फॉर्मिंग स्टेबल सुपर ऑक्साइड इज तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो एल्केली मेटल्स गिवन है इनमें से किस एल्केली मेटल की किन एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनथेरेपी 400 हंड्रेड किलो जूल से ज़्यादा है एंड इनमें से कौन सा मेटल जो है वो स्टेबल सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की तो ये होते हैं हमारे पास लीथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम एंड सीजियम ये होते हैं हमारे पास अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयोनाइजेशन एन डिक्रीज़ होती है आयोनाइेशन एन क्यों डिक्रीज़ होती है क्योंकि जो साइज़ है डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज होता है साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एंड डिक्रीज होती है दैट मीन्स अगर हम डेटा देखेंगे तो जो लिथियम है इसकी होती है इट इज़ फाइव ट्वेंटी किलोजूल पर मोल। देन अगर हम पोटैशियम की बात करेंगे इट इट इज फोर वन नाइन एंड अगर हम रूबीडियम की बात करेंगे इट इज़ फोर जीरो थ्री सीजियम की बात करेंगे तो इट इज़ थ्री सेवेंटी सिक्स किलो जूल पर मोल तो ये गिवन डेटा है अकॉर्डिंग टू एन तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी आयोनाइजेशन एनथेल्पी 400 हंड्रेड किलो जूल से ज़्यादा है तो हमारे पास तीन मेटल्स हैं रूबीडियम पोटेशियम एंड लिथियम ये तीनों मेटल्स की 400 हंड्रेड किलो जूल से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है एंड पूछा गया है कि स्टेबल ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा स्टेबल सुपर ऑक्साइड तो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो जो सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी है ये डिपेंड करती है कैटायन के साइज़ के ऊपर जितना ज़्यादा कैटायन लार्ज होगा उतना ही सुपरऑक्साइड स्टेबल होगा तो हमारे पास चार मेटल्स दे रखे हैं लिथियम पोटाशियम सीजियम एंड रूबीडियम तो अगर हम इनके कैटायंस की बात करें एल आई प्लस के प्लस सी एस प्लस एंड आर बी प्लस तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एल्केली मेटल कौन सा है इट इज़ सीजियम तो इसका कैटायन भी बड़ा होगा दैट मीन्स जो सीजियम का कैटायन होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल सुपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा क्योंकि जो स्टेबिलिटी है सुपर ऑक्साइड की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कैटायन के साइज़ के ऊपर तो कितने एल्केली मेटल्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन इन थेलपी से ज़्यादा है तीन मेटल्स ऐसे हैं कौन कौन से लिथियम पोटेशियम एंड रूबीडियम क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये चार के बारे में पूछा गया है एंड सबसे स्टेबल सुपर ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा इन चारों में से इट इज़ सीजियम आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द बेस्ट ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर